नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बहुत सारे लोग जो है इसको बिजनेस बना चुके हैं, धंधा भी बना चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं लगातार कि 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे दो और ये पोस्ट मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा। तो जैसे ही कुछ ऐसा भी इस वीडियो में हुआ है, CSBC बिहार पुलिस सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की जगह पहुँचे PET देने दूसरे युवक, 200 गिरफ्तार। यानी एग्ज़ाम किसी और ने दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद और या तो उसकी हाइट कम हो या फिर वो रनिंग में कम हो, इसके वजह से PET देने दूसरा युवक पहुंचा है, जिसमें 200 युवक जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत बड़ी मात्रा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित की जा रही बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में पिछले 5 दिनों से 200 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि गुरुवार को PET में अपनी जगह दूसरे को खड़ा करने में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को 2-5 लाख रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से दिए गए थे। पुलिस ने अपनी जगह पर दूसरे युवकों को खड़ा करने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ की, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। बिहार सरकार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की बहाली के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है। बिहार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की भर्ती के लिए बिहार सेंट्रल बोर्ड सिपाही भर्ती ने 12 जनवरी से 8 मार्च 2020 तक लिखित परीक्षाएं आयोजित कराई थी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा में करीब 60,000 अभ्यर्थियों को PET के लिए सफल घोषित किया गया था, जिनकी PET 7 दिसंबर से 30 जनवरी 2021 तक होनी है। CSBC के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि फर्जीवाड़ा करके कोई भी अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की पहचान और उनके दस्तावेजों जांच सावधानी पूर्वक की जा रही है।